हेलो फ्रेंड्स, सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तोरी के फूल के कोफ्ते। यदि आपको कहीं से तोरी के फूल मिल जाता है तो एक बार इस कोफ्ते को बना कर जरूर देखें। यहाँ पे मैंने थोड़े से तोरी के फूल लिया है, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने धो लिया है। एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, 6-7 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्चें, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, थोड़े से हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्च है, छोटे चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वाद अनुसार है, एक तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च है। मसाले मैंने इकट्ठे ले लिए, इसमें 1/2 चम्मच जीरा है, काली मिर्च है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 टुकड़े छोटे दालचीनी के हैं, 4 लौंग है और 2 छोटी इलायची है, और यहाँ पर मैंने आमचूर लिया है छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इसको अच्छे से धो लेना है। इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे, बेसन डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डालना है, आप कम या ज़्यादा डाल सकती हैं, नमक स्वाद अनुसार डालना है, हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, आमचूर डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ये देखिए इस तरह का बनाना है हमने। चलिए अब हम तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इस तरह के हम कोफ्ते बनाएंगे। तलते समय हमारी जो आंच होगी वो मीडियम होगी। पहले तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे, उसके बाद जब तलेंगे तब आंच हमारी मीडियम होगी, हल्के भूरे रंग का हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से हम सबको तल लेंगे। ये मैंने तल लिया है। चलिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, जब ये अच्छी तरह से चटक जाएगा तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। चटक गया, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तेज़पत्ता डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, मीडियम से धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे, हल्के भूरे रंग का हो जाएगा तब हम नमक डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अब हम 1 कप पानी डाल देंगे, आंच हम धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे ढक के। बीच में हम इस तरह से हिला लेंगे। ये मसाला हमारा पक गया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, ढक देंगे। ये मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। कोफ्ते डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। ये हमारे तोरी के फूल के कोफ्ते तैयार हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।